हेलो गाइस, आई एम श्वेता और आज हम अपनी लॉ की आगे की तरफ चैप्टर के आगे बढ़ रहे हैं। जैसा आपको सबको पता है कि हम लोग पार्ट्स में टॉपिक्स ले रहे हैं ताकि आपको भी ज़्यादा देर ना पढ़ना पड़े, शॉर्ट शॉर्ट में आपका काम कंप्लीट हो जाए। साथ में आपको ये भी पता है कि मैं खुद आपके साथ लिखती हूँ, तो अगर जब आप भी पढ़ते पढ़ते मेरे साथ ही लिख लोगे तो आपका भी काम बहुत कम टाइम में ईजिली हो जाएगा। ठीक है जी, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी। एक पढ़ा था हमने फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इन सारे फॉर्मेट्स को अभी हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं, आज हम कंपनीज का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि कंपनीज किस तरीके की होती है। बीइंग इन अ फाउंडेशन लेवल हम क्या करते हैं, हम बेसिकली बेसिक्स पॉइंट्स पढ़ते हैं। अब उसके इंटरनल के जो प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो अब हम इसमें इस लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा दैट इज द सेक्शन 8 कंपनीज। तो स्टार्ट करते हैं अपनी अभी की क्लास विद अ सेक्शन 8 कंपनीज। कैसे सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, आपकी इनकॉर्पोरेट होती है। टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज with charitable objects, that is इसको हम बोलते हैं बेटा सेक्शन 8 वाली कंपनीज। इनका पर्पस प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, इनका पर्पस होता है जस्ट लाइक अ एनजीओस। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में लिखते हैं फिर आगे चलेंगे इसमें। ऑब्जेक्ट क्या होता है इस कंपनी का, ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज। सिंपल सी बात है बेटा, ऑब्जेक्ट यानी कि आज आप किसी वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू पे बना रहे हैं, कुछ आपको प्रमोट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हम सब जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनके बारे में भी हमें नहीं पता चलता, तो कभी भी कोई भी चैरिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू पे उसमें डोनेशन करता है और उस चीज़ को आगे लेके जाता है, तो हम लोग भी उसके लिए क्या हो जाते हैं, बी अवेयर हो जाते हैं कि नहीं, ये काम भी हमारे में होना चाहिए। सिंपल है कि ये जो कंपनी होती है सेक्शन 8 की कंपनी, ये स्पेशली फॉर्म की जाती है ताकि ये प्रमोट कर सके चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट किसका, चाहे कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, स्पोर्ट्स का हो, एजुकेशन का हो, रिसर्च का हो, सोशल वेलफेयर हो, किसी भी चीज का हो। सो सेक्शन 8 कंपनीज आर फॉर्म्ड टू प्रमोट the charitable object, charitable object किसका, of any terms like a commerce, arts, science, उसके बाद आपका sports, नेक्स्ट इज योर एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी एक्सेट्रा। बेसिकली एक तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। और जो भी अगर सपोज करो इनको कभी कोई चीज में प्रॉफिट हो जाए, तो वो प्रॉफिट भी ये इसी अपने ऑब्जेक्ट को रिफॉर्म करने के लिए यूज करती है। लिख सकते हो एक और पॉइंट इसमें, सच कंपनी intends to apply its profit in promoting
its objects and prohibiting the payment of any dividend. मतलब अगर आप सबको बेटा इस लेवल पे ये चीज पता होगी, नहीं तो ये मैं और डिटेल में आपको जो डिविडेंड वाला चैप्टर है उसमें बताने वाली थी, लेकिन अब एक इंट्रोडक्शन ले लो यहाँ पे चीज आ गई है। तो बेटा जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा तो अपने मेंबर्स में डिविडेंड के रूप में बांट देती है, उसके अलावा जो प्रॉफिट होता है उसको अपने वापस से प्रोजेक्ट्स वगैरह में लगा लेती है कंपनी, अपने पास प्रिजर्व करके रखती है फॉर द फर्दर यूज। तो यहाँ पे अगर चैरिटेबल पर्पस वाले ऑब्जेक्ट में किसी भी कंपनी को बाय चांस प्रॉफिट हो जाता है, तो वो प्रॉफिट उसको प्रमोटिंग, यानी कि जो उनका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है उसी की प्रमोटिंग के अंदर यूज करेगी, रादर देन गिविंग द डिविडेंड्स टू इट्स मेंबर। क्लियर बात? बहुत छोटी सी बात है। अब बेटा जो सेक्शन 8 की कंपनीज होती हैं, क्या ये कुछ अलग टाइप की कंपनीज होती है, या इनमें कोई नया कुछ रिफॉर्म होता है, या नाम चेंज होता है, कुछ सेलेक्टिव नेम्स होते हैं, क्या होता है? बेटा इट्स अ नॉर्मल कंपनी। बस आपको एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए जब आपकी कंपनी बनती है तो इसके लिए आपको एक मैंडेटरी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना होता है। तो आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट to issue the license, to issue the license. यानी कि जो भी लाइसेंस इश्यू होगा कि भैया ये कंपनी काम कर सकती है नहीं कर सकती चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में, कौन दे रहा है लाइसेंस? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर बाय चांस सपोज करो, वैसे पॉइंट अभी हमारा आगे आने वाला है, एक जनरल आपसे बात कर रही हूं कि अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को ओवर रूल कर दिया, यानी कि कंपनी ओपन करी फॉर द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, लेकिन हमने चैरिटेबल ऑब्जेक्ट पे काम नहीं किया, कुछ और काम करने लग गए, प्रॉफिट कमाने लग गए और उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करने लग गए, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस खत्म कर सकती है? ये भी पॉइंट अभी हमारा आगे आएगा, क्योंकि जिसके पास पावर है आपको इश्यू करने की लाइसेंस, वो आपसे पावर ले भी सकती है। आइए लिखते हैं इसमें पॉइंट। दिस सेक्शन अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एज अ कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। ये तो दे देगी वो विदाउट, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी वाला फैक्टर दे देगी, लेकिन इसी के साथ एक और पॉइंट इसमें एड अप होगा, विथ विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड विदाउट द एडिशन ऑफ द वर्ड्स लाइक अ लिमिटेड और पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। और अगर बाय चांस कंपनी ने, जो सेक्शन 8 वाली जो कंपनी है उसने अगर अपने ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड जाके काम कर लिया,
तो यही नाम इनसे ले लिया जाएगा। बट अभी हम पहले ये लाइन को कंप्लीट करते हैं। दिस सेक्शन अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी विद अ लिमिटेड लायबिलिटी विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड्स लिमिटेड और अ प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम। और ये काम कब होगा? व्हाइल इशूइंग द लाइसेंस। नेक्स्ट पॉइंट, अब इस कंपनी को प्रिविलेज क्या मिल रहा है? पॉइंट नंबर थ्री, प्रिविलेज जिस ऑफ लिमिटेड कंपनी। भैया वो इंजॉय करता है अगर कोई लिमिटेड प्रिविलेज मिलता है, यानी कि उसका जो एक कंसर्न होता है, ऑब्लिगेशंस होता है कंपनी को लेके, वो कितना होता है? लिमिटेड होता है। ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी, ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल, enjoys same privileges and obligations as of limited company. जो इसके अंदर मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन बन के चला जाएगा, क्या वो अल्टर कर सकता है? नहीं, क्योंकि बेटा आप ऑलरेडी सेक्शन 8 की कंपनी में आ रहे हो, यानी कि आप कोई चैरिटेबल वर्क करने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहला पॉइंट, आपका कोई राइट ही नहीं बनता है किसी चीज को अल्टर करने का जिसको आप बना रहे हैं। उससे पहले भी एक पॉइंट आता है आपका, A firm can be a member of the company as registered under Section 8. तो एक firm भी इसमें member बन सकती है। Point number 5, that is alteration of MOA and AOA अगर उनको फिर भी अपने कुछ मेमोरेंडम में चेंजेस लाने, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लाने, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, अप्रूवल लेकर ले सकती है? यस, पर सेल्फ नहीं कर सकती, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं इस पॉइंट को भी बेटा, सेक्शन 8 के। अब आपको जिस तरीके से मैंने ये पॉइंट्स लिखवाए हैं, इसी से ही आपका समराइज हो जाएगा पॉइंट्स सारे। और समराइज होने के बाद क्या होता है, लॉ के अंदर हमेशा मेरा एक फोकस रहता है कि एग्जाम टाइम पे जब हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं, उस दिन का जो मॉर्निंग का टाइम होता है, उस टाइम पे आप इतने सारे नोट्स नहीं रीड आउट कर पाते हो। पर जब हम एक समरी पढ़ लेते हैं और उसमें से जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे ऑल्टरेशन नहीं कर सकता लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके कर सकते हैं, यस, तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। और बेटा इस लेवल पर आके आप इजीली अपने आंसर्स खुद लिख सकते हैं। तो आप क्या अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। कोई आपको लॉ में नहीं कहा गया कि एग्जैक्टली लॉ की लैंग्वेज लिखो, बट हाँ, इट शुड बी अ प्रॉपर प्रोफेशनल इंग्लिश, पर समराइज फॉर्म होना चाहिए। सिर्फ यही एक रीजन है कि मैं आपकी शॉर्ट 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 टॉपिक्स में आपको मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। अ कंपनी
रजिस्टर्ड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन मे ऑल्टर इट्स एमओए एंड एओए with the previous approval of the central government. Simple. नेक्स्ट आते हैं, दो तीन छोटे छोटे से पॉइंट और है, फिर उसके बाद एक बहुत समराइज फॉर्मेट आएगा इसका सेक्शन 8 का। आज की क्लास थोड़ी सी लॉन्ग हुई जाएगी, मैं पूरा सेक्शन 8 आज कोशिश करके कंप्लीट आपको करवाऊंगी। 6 पॉइंट आता है कन्वर्जन। अगर आज हम सेक्शन 8 कंपनी को किसी और कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं, आंसर इज यस। उसके बाद भी क्या हम सेक्शन 8 के प्रिविलेजेस को एंजॉय कर सकते हैं, आंसर इज नो। क्या हमें कोई रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बिफोर चेंजिंग दिस थिंग, यस। क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, एक आपकी जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद ही आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी सेक्शन 8 की कंपनी को किसी अनादर कंपनी में, अनादर कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, ठीक है। क्योंकि हम ओपीसी में ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं कि ओपीसी सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं होती है। कन्वर्जन इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी Section 8 companies may convert itself into any other company but they shall pass a special resolution स्पेशल रिजोल्यूशन एट ए जनरल मीटिंग। फॉर अप्रूविंग सच कन्वर्शन। सिंपल। अब आता है रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ अ कौन सा, तुम्हारा सेक्शन 8 की कंपनी के अकॉर्डिंग। यही एक छोटा सा तो नहीं कहूंगी, थोड़ा सा बड़ा है कि आपका लाइसेंस कब कब रिवोक हो सकता है। पॉइंट नंबर 7, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। Revocation of license. हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर सकती है जो उन्होंने आपको लाइसेंस दिया। कब करेगी वो आपको रिवोक, कि जब आप अपने कंपनी के अफेयर्स यानी कि जो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनके अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक रीजनेबल पॉइंट होना चाहिए, तभी वो आपका क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट लेते हैं इसी में,
the central government, the CG, may order for revocation the license of the company, revoke the license of the company when the company contravenes its objects. कॉन्ट्रावेंस यानी कि जो काम आप कर रहे थे आप उसके अगेंस्ट जाके आप काम कर रहे हैं, सिर्फ यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से एक कंपनी क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उस कंपनी का लाइसेंस क्या करेगी, रिवोक कर देगी. और जैसे वो रिवोक होता है तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, रिवोकेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसी में लेते हैं बेटा पॉइंट. कॉन्ट्रावेंसेस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट्स द रजिस्ट्रार लिखो, द रजिस्ट्रार शेल यानी कि बेटा मैंडेटरी वर्ड आ गया कि हो ही जाएगा ये, शेल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनीज नेम इन द रजिस्ट्रार. पहला पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, कोई कंफ्यूजन. सीधी सी बात है, हमने जिस ऑब्जेक्ट के लिए काम किया अगर हम उस ऑब्जेक्ट को भूल के काम करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जिसके लिए हमें लाइसेंस मिला है हम वो काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा लाइसेंस ऑटोमेटिकली रिवोक करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट. हो सकता है आपसे आपका लाइसेंस रिवोक करके पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये कंपनी को अमालगमेट कर सकती है किसी और कंपनी में, यानी कि आफ्टर द रिवोकेशन इफ It is essential for public interest. The company may be amalgamated the company may be wound up या तो उसको खत्म ही कर देंगे और amalgamated with another. With another company. Registered under this section. यानी कि कोई और सेक्शन 8 वाली कंपनी के साथ आपको मर्ज कर देंगे. ये सारा डिसीजन कौन ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है. अगर आप लोगों ने ज्यादा कुछ रिवोक किया पनिशमेंट इसमें क्या मिलती है, पेनल्टी एंड पनिशमेंट पॉइंट नंबर 8. Thank you.
और ये कब मिलेगा, जब आप कोई चीज को कॉन्ट्रावेंट कर रहे हैं, यानी कि आप किसी चीज के डिफॉल्ट में हैं। आइए अगर कंपनी के साइड से कोई डिफॉल्ट है, तो क्या होगा? फाइन फॉर रुपीज 10 लाख टू मी एक्सटेंड रुपीज 1 करोड़। और जो आपके इस कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स डिफॉल्ट में फाइन, ₹25,000 टू ₹25 लाख। और कंपनी को तो जेल में नहीं पहुंचा सकते, डायरेक्टर को तो जेल में पहुंचा सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड एक्सटेंड टू 3 इयर्स। सिंपल। बस इतू सा आपका सेक्शन 8 की कंपनी का था। क्यों फॉर्म हो रही है, कैसे फॉर्म हो रही है, कैसे वर्किंग हो रहा है, ये सब आपका सेक्शन 8 की कंपनी के अंदर बताया गया है। जो भी मेजर रोल है दैट इज अ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रोल। उसके बाद अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, अब हम अपने यही इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन पॉइंट्स जो होते हैं कंपनी के, इसके कुछ आगे वाले पॉइंट्स पे चलेंगे, टॉपिक वाइज ही बेटा पढ़ाई करेंगे। आप लोगों को इस क्लास के नोट्स, क्लास ऑन एयर होने के बाद आपकी, जैसे हमारी क्लास हमारा कंप्लीट करेंगे रात में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ 12 बजे के आसपास, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर यही नोट्स एज इट इज पोस्ट कर दूंगी ना PDF फॉर्म। किसी बच्चे के क्लास के नोट्स रह जाते हैं, बाद में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है। उसके अलावा बेटा बहुत बार अगेन अगेन चीजें आ रही हैं, तो मैं अगेन अनाउंसमेंट कर रही हूँ आपको। सारी डिटेल्स आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है यूट्यूब पे वीडियो है, आप यूट्यूब पे कमेंट कर दो, मैं इजीली कमेंट्स के सारे आंसर्स देती हूँ, पूरी कोशिश रहती है। प्लस टेलीग्राम चैनल आप बेटा ज्वाइन कर लो, CA इंटर वालों का टेलीग्राम चैनल भी बता रखा है, व्हाट्सएप भी बता रखा है। व्हाट्सएप पे हर कोई ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, तो टेलीग्राम चैनल CA इंटर वालों का ऑलरेडी बना रखा है, आप वहां ज्वाइन कर लो। और जो इसके नोट्स होते हैं ये बेटा टेलीग्राम चैनल पे ही पोस्ट किए जाएंगे। तो इसके अलावा और भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं। बस लॉ की सीरीज को अच्छा प्रोग्रेस दे दो, बहुत जल्दी और भी सब्जेक्ट्स के साथ में आपके साथ आना चाहूंगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक। अच्छा एक और चीज, जाने से पहले सारी प्लेलिस्ट पॉइंट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है विद अ प्रॉपर सीक्वेंस, थंबनेल्स भी आपके पूरे सीक्वेंस में बन रहे। जैसे अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, जब तक ये चैप्टर एंड नहीं होगा इसके सारे पार्ट्स बनेंगे। तो आपको सारी प्लेलिस्ट के साथ चीजें दी गई हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक सबको टाइप किया गया है, आप उस हिसाब से भी आप इजी फॉर्मेट में इन सबको देख सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, तो आपके पास टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब कमेंट सेशन, सारे चीजें ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है जी, तो अभी करते हैं इस क्लास को एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ द कॉन्टिन्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। बाय गाइस, टेक केयर।